हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। लखनऊ में सीएए विरोधी प्रदर्शन को लेकर पिछले हफ्ते योगी सरकार ने शहर के चौराहों पर जगह जगह पोस्टर्स लगाए थे। पोस्टर में 57 आरोपियों से 1,55,00,000 की वसूली का लक्ष्य रखा गया था। पोस्टर में आरोपियों का पता भी लिखा गया था। पोस्टर लगते ही विवाद शुरू हो गया। कहा यह गया कि बिना दोषी साबित हुए कैसे पोस्टर्स लगा सकती है यूपी सरकार। संविधान की शपथ में हमने भी इस फैसले पर सवाल उठाए थे। इस मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने संज्ञान लेते हुए कल यानी रविवार को सुनवाई की थी और आज इस मामले में फैसला देते हुए हाईकोर्ट ने साफ कर दिया कि योगी सरकार ने आरोपियों के मौलिक अधिकार का उल्लंघन करते हुए ये पोस्टर्स लगाए थे। हाईकोर्ट ने लखनऊ के डीएम और कमिश्नर को तुरंत पोस्टर हटाने का आदेश भी दे दिया और इस फैसले को योगी सरकार सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देंगे ये भी बात सामने आई है। लेकिन फिलहाल तो योगी सरकार की किरकिरी हो गई है। योगी के बदनामी वाले पोस्टर पर हाईकोर्ट सख्त। लखनऊ के चौराहे से पोस्टर हटाने का आदेश। कोर्ट ने बड़ा कड़ा रुख अपनाया था। जिस तरह के पोस्टर लगाने का कोई अधिकार नहीं है तो मुझे नहीं लगता कि राज्य सरकार जो है अब इसको चुनौती सुप्रीम कोर्ट में देगी। हिंसा के आरोपियों से वसूली के लगाए थे पोस्टर। 57 आरोपियों से 1,55,00,000 की वसूली का लक्ष्य। वो भी जिम्मेदार होगा, उसकी जवाबदेही भी तय करेंगे। इस हिंसा में लिप्त प्रत्येक तत्व की प्रॉपर्टी को जब्त करेंगे और उस जब्त से सार्वजनिक संपत्ति को हुए नुकसान इसकी भरपाई भी हम उन सभी उपद्रवियों से करेंगे। पोस्टर पर उठे सवाल तो हाईकोर्ट ने की सुनवाई। ये हमारे लिए नहीं प्रशासन के लिए सरकार के लिए भी एक सबक है कि अगर प्रशासन और सरकार से योगी जी और उनकी मंत्रिमंडल से भी कोई गलती हो रही है संविधान के दायरे में रह के काम करिए। जो जिम्मेदार लोग हैं उनको पनिश करिए लेकिन जो बेगुनाह हैं उनको आप इस तरीके से नहीं कर सकते। दो दिन की सुनवाई के बाद पोस्टर हटाने का आदेश। ये मैसेज दिया है उन लोगों के लिए कि जो लोग अपनी हुकूमत की तानाशाही में काम करते हैं और सोचते हैं कि हम हाकिम है लिहाजा जो फैसला कर देंगे ये उनके लिए कड़ा निर्देश है। हटा पोस्टर निकला जीरो। तो अब जो फैसला हाईकोर्ट ने दिया है उस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता के शर्मा जी मौजूद हैं, वंदना सिंह जी समाजवादी पार्टी समर्थक हमारे साथ मौजूद हैं, एके जैन जी पूर्व डीजीपी हैं उत्तर प्रदेश पुलिस से, दीपक कबीर सामाजिक कार्यकर्ता है। और हम आपको बता दें कि इस समय लखनऊ की सड़कों पर चौराहों पर दीपक कबीर जी के भी पोस्टर्स लगे हुए हैं। तो मैं शुरुआत के शर्मा जी आपसे करना चाहूंगी, क्या ये कैसा फैसला था जिसको आज हाईकोर्ट को उलटना पड़ा? दोषी आप ही ने साबित कर दिया, आरोपियों को अगर आप ही दोषी बनाकर उनके पोस्टर्स लगा देंगे तो कोर्ट की तो जरूरत ही नहीं है कोई। मेरे को लगता है कि शोभना जी इस पूरे घटना और ये जो कार्यवाही है इसकी मैंने आपको गंभीरता से अंदर तक जाना चाहिए और इसके डिटेल्स लेने की कि ये क्या हुआ था। पहली बात तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, आपकी जानकारी में है भी, आप उसका उल्लेख भी कर चुकी हैं कि ये इलाहाबाद हाईकोर्ट का ही 2010 का फैसला है और इस पर जो है सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है और सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइन के अनुसार ही ये कार्रवाई की गई। अब मैं इसके दूसरे विषय पर आता हूँ। इसमें एक मिनट, दूसरे विषय पे आप जाइएगा। सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइन में ये साफ साफ लिखा हुआ है कि जिस संपत्ति का नुकसान होगा उसको असेस करने के लिए एक जज की अध्यक्षता में कमेटी बनेगी, वो उस पूरे नुकसान को असेस करेगी कितना नुकसान हुआ और उसके बाद आगे कार्रवाई होगी। आपने ना तो उस कमेटी को बुलाया ना कोई जज आया, खुद ही आपने आरोपियों को चिन्हित किया और दोषी बना दिया और पोस्टर चिपका दिए। डिटेल्स में मैं तो यही को कह रहा था कि आप थोड़ा और आगे बढ़ने दीजिए। इसमें बाकायदा जिन लोगों ने सार्वजनिक संपत्तियों का नुकसान किया, जिन्होंने हिंसा की, जिन्होंने दंगा भड़काए, इन सारे लोगों के संदर्भ में जो सार्वजनिक संपत्ति की रिकवरी की बात थी, बकायदा डिस्ट्रिक्ट लेवल पर एक कमेटी बनाई गई है डीसीपी उस पर, और उस कमेटी में जो वीडियो रिकॉर्डेड जिसमें बकायदा रिकॉर्डिंग के अंतर्गत जो चेहरे आए हैं उनके नाम इसमें लिए गए हैं और वो सारे जिक्र है, उसकी पूरी कानूनी प्रक्रिया पूरी की गई है। नंबर वन। नंबर टू, जो ठीक है
हाईकोर्ट ने अपनी एक निष्ठा के अधिकार का उल्लेख किया है, हम चुने हुए सरकार हैं, लोकतंत्र में हम चुने हुए सरकार के जनता के बीच से आए हैं, हमारा उद्देश्य जो है देश की जनता के, राज्य की जनता की पाई पाई कमाई से जो सार्वजनिक संपत्तियों का निर्माण हुआ है उसको जो तहस नहस किया गया है, हम जनता के उस पैसे की वसूली चाहते हैं और उस पैसे को हम वसूल करने से कौन इनकार कर रहा है आपको? लेकिन आप इस तरह से पोस्टर्स लगा के किसी को पहले उन्हें दोषी तो साबित हो जाने दीजिए ना। नहीं, उसमें उनके साथ बकायदा वहाँ कमेटी बनाकर उनको बताया गया है, उनको नोटिस दी गई है। सुनिए तो, आप ही की, यदि उसकी प्रक्रिया पर कहीं आपकी कमेटी भी, आपकी फैसला भी आपका, तो क्या सरकार सरकार क्या उसकी पार्टी की होती है क्या? आप क्या आप उल्लेख कर रही हैं सोमनाथ जी? मैं आपको यही कह रही, सरकार जो होती है वो जनता की होती है। जब तक कोर्ट नहीं आपकी कोई फैसला आपकी दे देता, सरकार आपकी कोर्ट क्या जब मतलब तक होता? फैसला नहीं दे देता, आप कैसे दोषी बना सकते हैं किसी को भी? दीपक कबीर, दीपक कबीर का मैं रुख कर लेती हूँ, फिर आऊंगी केके शर्मा जी आपके पास। दीपक कबीर जी, आपकी भी तस्वीर चिपकी हुई है और यहाँ पे केके शर्मा जी कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस को फॉलो किया गया है, कमिटी बनाई गई है, उसने चिन्हित किया है, क्या कहेंगे आज आप? खुश हैं हाईकोर्ट के फैसले से? नहीं, हाईकोर्ट के फैसले से जरूर खुश हैं क्योंकि ये राहत की बात है, हालांकि जितना डैमेज होना था हो चुका है। दो चीजें मैं कहना चाहूंगा। पहली बात तो जिस तरह हाईकोर्ट ने सरकार का पक्ष सुनने का वक्त दिया, हमारा पक्ष नहीं सुना गया है। मैं व्यक्तिगत अपनी बात करता हूं, मैं जेल में था और मैंने जेल से एक लेटर भेजा था कि भाई हम जेल में, अगर आप हमको पेश कराना चाहते हैं तो एक अथॉरिटी लेटर तो देंगे, ये सुपरिटेंडेंट के मार्फत हमने लेटर भेजा था, और या फिर हमको वक्त दिया जाए। हमें आज तक उसका जवाब नहीं मिला, सीधे फैसला आया, फैसले की कोई कॉपी हमें नहीं दी गई है और पूरे शहर में होर्डिंग लगवा दी गई है। तो ये बहुत ही अलोकतांत्रिक तरीका है, हमें पता भी नहीं चल रहा है क्या हो रहा है। दूसरी चीज, अगर ये मुआवजे के लिए था, क्षतिपूर्ति के लिए था, तो जितना पैसा क्षतिपूर्ति लेना था आप व्यक्तिगत रूप से मिलते हैं, सबके वो ऑर्डर हैं, आपने उससे ज्यादा पैसा तो होर्डिंग लगवाने में और साइट में और लेबर में खर्च कर दिया, प्रिंटिंग में खर्च कर दिया। तो मकसद एक डर और खौफ पैदा करना है, वो शेम का जो इस्तेमाल किया गया है, ये क्षतिपूर्ति का मसला नहीं है, ये लिंचिंग करवाने का मसला। उसमें मेरे पिता का भी नाम है, मेरे पिता तो इन्हीं पार्टी के सपोर्टर हैं, वोटर देकर वोट देकर आए हैं। तो ये जो मॉब के अंदर ये गलतफहमी पैदा करना और एक परसेप्शन बिल्ड करना, ये किसी तरीके से सही नहीं है। हम तो कोर्ट नहीं गए, आपके कोर्ट ने खुद ही, उच्च न्यायालय ने खुद ही संज्ञान लिया संडे को। मैं एक जवाब दे दूं, उसका तो सम्मान करिए। कबीर जी क्या एक इन्होंने कहा दंगाई, इन्हें दहशत फैलाना, अरे दंगाइयों में तो दहशत होनी चाहिए, कानून की दहशत बिल्कुल होनी चाहिए। और आपको तो मैं कह रहा हूँ कि जो भी दंगाई है, केके शर्मा जी सर, आप सुनिए सुनिए, आप किसी को भी दंगाई बना देंगे। मैं सर, आपको योगी, बता दूं सर, कि इस पूरे हिंसा में योगी जी के ऊपर मुकदमे इसी पुलिस ने लगाए थे। हम कानून के तरह की साथ ही कानून के अनुसार ही कार्रवाई करेंगे। ये दीपक कबीर को सुन लीजिए, केके शर्मा दीपक कबीर को सुन लेते हैं जी। सुनिए, दो चीजें कहता हूं, मैं चैलेंज देता हूं, अगर मेरे हाथ में एक भी पत्थर, एक भी आगजनी या जिस समय वहां कांड हो रहा वहां मौजूदगी दिखा दी जाए तो मैं खुद ही जेल में सड़ने के लिए तैयार हूं। दूसरी बात, इसी पुलिस ने योगी जी के ऊपर मुकदमे करे थे, अगर वो सही होते योगी जी ने क्या सोच के मुकदमे वापस करवाए? यही कि पुलिस ने मुकदमे झूठे लगाए थे। तो जब पुलिस योगी जी के ऊपर झूठे मुकदमे लगा सकती है तो हमारे ऊपर क्यों नहीं लगा सकती? बड़ा सवाल केके शर्मा, पुलिस ने तो वही है। कारनामे लोग जानते नहीं है क्या? किया है बकायदा सरकार ने कि जिनके भी ऊपर यानी ये लगे हैं या जिनके ऊपर केस बने हैं उनके बकायदा वीडियो रिकॉर्डिंग है, वीडियो रिकॉर्डिंग में वो सारी तथ्य है जो हिंसा करते हुए सामने आए हैं और उसको उसके आधार पर। आप पढ़े लिखे बड़े आदमी हैं, आरोपी और दोषी का फर्क तो आप समझते ही होंगे ना? नहीं, आरोपी और दोषी तो वो तो साबित होगा ही ना, वो तो अभी उसके तो चल रही है। चलिए ठीक है, मैं आप कोई आपका पूर्व डीजीपी है, वो किसी तरह का भी तथ्य लेते रहे उससे क्या फर्क पड़ता है? पूर्व डीजीपी हमारे साथ मौजूद है, हम कानूनी उसको भी समझ लेते हैं पहलू को। एके जैन साहब, आपने देखा किस तरीके से आरोपियों के पोस्टर्स लगा दिए गए, क्या ये फर्क सरकार के लिए समझना जरूरी नहीं था आरोपी और दोषी का? और उसमें डीजीपी भी मिले हुए हैं, मतलब डीजीपी की कंसेंट से ही वो पोस्टर्स लगे, डीएम भी मिले हुए हैं, ये किस तरह की कानूनी प्रक्रिया का पालन किया गया? देखिए, कानूनी प्रक्रिया में तो अगर आप स्ट्रिक्टली लॉ के हिसाब से चलें तो ऐसा कोई प्राविधान नहीं है।
कि आप इस प्रकार से हर चौराहे के ऊपर पोस्टर लगा दें। कोई अगर वांछित है और अगर कोई वांटेड है पुलिस की निगाह में, जैसे हमारे यहाँ एक पुरानी परंपरा रही है थानों में रोग्स गैलरी की, जिसमें उस क्षेत्र के पेशेवर अपराधियों के फोटो लगाए जाते थे, जो अलग अलग कैटेगरी के अपराधी होते थे, जिससे कि पब्लिक अगर आए तो उनकी शनाख्त कर सके। ये बात सही है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो मौजूदा कानूनी व्यवस्था है उसको अपर्याप्त मानते हुए गाइडलाइंस इशू की और उस पर यूपी हाईकोर्ट ने गाइडलाइंस इशू की, और गाइडलाइंस काफी स्ट्रिक्ट हैं, और ये तक है उसमें कि अगर कोई थानाध्यक्ष सीईओ एडिशनल एसपी एसपी डीआईजी उसका पालन नहीं करेगा तो उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। कॉम्पिटेंट अथॉरिटी की बात कही गई है, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी बनाए गए हैं एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, और एक कमेटी है जो कि उसको रिव्यू करेगी, जिसमें एसपी हैं डीएम हैं और नामित करेंगे डीएम उसके अंदर। ठीक है, कितनी प्रक्रिया अभी तक पूरी हुई है मुझे नहीं पता है, पर यह जरूर है कि जो घटनाक्रम हुआ था उस दिन लखनऊ में, इसमें कई लोग ऐसी भीषण आगजनी हुई थी और उसमें आपकी ओबी वैंस भी बहुत सी जो है फूंक दी गई थी जी। वो घटनाक्रम जरूर खराब था, पर ये मेरे ख्याल से केवल एक इस पर्पस से किया गया है कि एक दंगाइयों में एक थोड़ा सा एक खौफ पैदा हो और उनके नाम सार्वजनिक हो कि ये लोग इस दंगे में शामिल रहे हैं। दंगे में कुछ शामिल हैं और कुछ के ऊपर आरोप है कि उन्होंने दंगे को भड़काया, उन्होंने वहां पर जाकर एड्रेस किया और उसके बाद हिंसा भड़क गई। जो हाईकोर्ट का आदेश है, गवर्नमेंट का अपना व्यू पॉइंट है, गवर्नमेंट को यह कहता है, कहना है कि इसमें जुडिशरी को एक्टिव नहीं हो। जैन साहब, जो ये कहा जा रहा है कि दंगाइयों के बीच में डर पैदा करने के लिए, ठीक है आपकी ये कोशिश हो सकती है, लेकिन तरीका तो गलत है ना। ये इसमें बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं ना, और आपने एड्रेस लिख दिया है उनका, उसमें महिलाएं भी हैं। नहीं, वो ठीक है आपका कहना, मैं आपकी इस बात से सहमत हूं, अभी वो स्टेज नहीं आई थी कि आप अगर वांटेड हो जाए कोई और उनका पता ना चल रहा हो तो आप इस प्रकार के पोस्टर थाने के बाहर लगा सकते हैं। पर जिस प्रकार से ये चौराहों पे बड़े बड़े इंपॉर्टेंट चौराहों पे लगाए गए हैं, ये एक मैंने पहली बार अपनी लंबी सर्विस के दौरान देखा है कि इस प्रकार की कार्रवाई हुई है। और मैं स्टेट का ये मानना है कि जुडिशरी को इसमें अपने को इन्वॉल्व नहीं करना चाहिए, और ये स्टेट का मैटर है लॉ एंड ऑर्डर को कंट्रोल करना, और लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोल करने के पॉइंट ऑफ व्यू से वो ये हार्श स्टेप्स ले रहे हैं। ये उनकी अपनी सोच है, पर हाईकोर्ट के आदेश का पालन होना चाहिए। लेकिन लॉ फॉलो हो ये तो न्यायालय ही तय करेगा ना भाई। अगर आप कानून तोड़ रहे हैं, चाहे वो सरकार और चाहे प्रशासन हो, तो इंटरफेरेंस तो करना ही पड़ेगा ना कोर्ट को। चलिए मैं रुक कर लेती हूँ, वंदना सिंह भी मेरे साथ जुड़ी हुई है, समाजवादी पार्टी की समर्थक हैं। वंदना, आपसे मैं ये जानना चाहती हूँ कि इतना सब कुछ बवाल खड़ा हो गया, आपकी पार्टी कहाँ है? आप लोग दिखाई नहीं देते सड़कों पे? क्या चुनाव जो है वो अखिलेश यादव एसी बसों में बैठ के जीतेंगे? बस ऐसे हाथ हिलाने से आप लोग जीतेंगे? कहीं दिखते ही नहीं है जमीन पे आप लोग। देखिए, अभी का जो मुद्दा हम उस पे आ जाते हैं, अखिलेश यादव मुद्दे पे मैं कह रही हूँ कि इतने पोस्टर्स लग गए लखनऊ में, तमाम बवाल खड़ा हो गया, आपकी तरफ से एक धरना प्रदर्शन भी नहीं हमें तो देखने को मिल रहा। ये तो हाईकोर्ट ने संज्ञान लिया। ये जो इनटॉलरेंस का एटमॉस्फेयर है, ये उसका रिफ्लेक्शन है। जनतंत्र में सरकार की नीतियों के खिलाफ प्रदर्शन करने का हमें हक है, इसका मतलब ये नहीं कि ये क्राइम है। और रहा सवाल इसमें ओवर सेंसिटिव होके और सरकार जिस तरह के कदम उठा रही है बिना सोचे समझे, इसमें हमारे ह्यूमन राइट के वायोलेशन है। ये हमारा अधिकार है, ये डेमोक्रेसी है, ये दंगा पाकिस्तान करना, नहीं, करना दंगा का अधिकार नहीं है उसमें। पहले आप शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन कर सकते हैं, कर सकती हैं वंदना जी, जिनका हमने पोस्टर लगाया पहले, उनको आप ये साबित तो करिए कि यही लोग हैं। तो यही तो लड़ाई है ना, तो वो लड़ाई नहीं है। कोर्ट को क्यों संज्ञान लेना पड़ा? विपक्ष को इसलिए लेना पड़ा नजर आया, कोर्ट को इसलिए बीच में आना पड़ा क्योंकि कोर्ट को लगा कि ये ज्यादती हो रही है, अन्याय हो रहा है। इस तरह आप लगाएंगे, विपक्ष को नहीं लगा, कोर्ट को लगा, इसलिए कोर्ट ने ये फैसला लिया। विपक्ष तो लड़ाई लड़ता हुआ ही नहीं दिखाई दे रहा उत्तर प्रदेश में, सरेंडर करे हुए हैं। समाजवादी पार्टी के लोग जगह जगह उतरे हुए हैं, लेकिन आज की तारीख में इतना ज्यादा एरोगेंस है, इतना ज्यादा एरोगेंस है कि जो खड़ा होता है उसी को आप दबाने की कोशिश करते हैं। अभी मुझे आप ही के चैनल से जब फोन आया, उन्होंने बताया कि
योगी जी ने फोन करके अखिलेश यादव कहा कि हमें झंडा दिखाया आपके लोगों ने, उनको आप संभाल लीजिए। अरे भाई, ये जनतंत्र है, ये प्रक्रियाएं हैं जनतंत्र। चलिए ठीक है, उस मुद्दे पे आज डिबेट नहीं है। के सवाल ये है ना कि क्यों नहीं कर सकते हैं, ये हमारा अधिकार है, ये लोकतंत्र है। के शर्मा जी, ये आपके ऊपर आरोप लग रहा है कि एक समुदाय विशेष के लोगों को आप टारगेट कर रहे हैं, उन्हीं के आप फोटोज लगा रहे हैं, और तब जब आप ये जानते हैं, जैसा कि ये जितने भी लोग अभी यहाँ पे दीपक कबीर भी बैठे हुए हैं, लिंचिंग हो सकती है, आपने विद एड्रेस लगा दिया, आप जानते हैं कि कितना, जिसे कहा जाए कि इंटॉलरेंस इस समय समाज में है, युवा जो है वो छोटी छोटी बातों पर भड़क जाते हैं, ऐसे में अगर आप एड्रेस के साथ, फोन नंबर के साथ और फोटो चिपका देंगे तो क्या होगा भाई, किसी भी तरीके का खतरा पैदा हो सकता है, तो आप तो मुसीबत को दावत दे रहे हैं। मैं एक वंदना जी को जो उन्होंने वो कहा, उसके बाद मेरा जवाब भी दे दीजिएगा। उन्होंने कहा कि ये जनता का हक है और इंटॉलरेंस हो गई है, जनता का हक है कि आप जो है सार्वजनिक संपत्ति को आग लगा दें, आपको लोकतंत्र में प्रदर्शन का हक है, आपको धरना करने का हक है, आपको सरकार की नीतियों के विरुद्ध सड़क पर, सर वो बिल्कुल ठीक है, वो मैंने उनकी बात काट दी, आप मेरी बात का जवाब दे दीजिए, क्योंकि समय कम है मेरे पास। इसका हक आपके पास नहीं है कि आप थाने फूंक दें, आप बस फूंक दें, आप दंगा करें, आप हिंसा करें, इसका आपके पास कोई हक नहीं, ठीक है। और इसको रोकने के लिए सरकार को जो भी सख्त कदम उठाने होंगे। क्या आप एक समुदाय विशेष को टारगेट कर रहे हैं, कोई समुदाय विशेष विद एड्रेस दे के अगर आप फोटो चिपका रहे हैं, तो क्या आप उनकी सुरक्षा के साथ खिलवाड़ नहीं कर रहे हैं? सुन लीजिए, इसमें किसी भी प्रकार का कोई पूर्वाग्रह, कोई सा एक समाज विशेष ऐसा नहीं है। जो लोग दंगा करते हुए वहाँ पकड़े गए हैं, जिनके फोटोग्राफ्स कैप्चर हुए हैं, जिनके बकायदा सबूत वहाँ पर हैं, वो सारे नाम उसमें आए हैं, उनको रिकवरी की बात भेजी गई है। फैसला क्यों दे रहा है? अगर इतना ही पाकसा सारा आपका प्रोसेस है, तो कोर्ट क्यों ये कह रहा है कि ये पोस्टर चिपकाना गलत है? ऐसा है ना कि एक ही यहाँ हाईकोर्ट ही का फैसला है ना। अभी सर, बात कुछ होता ही नहीं। अभी मुझे सुनिए, न्यायालय तो न्यायालय है। अरे मैं आपसे कहता हूं, हाई कोर्ट को आपने इतना छोटा मान लिया, हाई कोर्ट का ही है फैसला। आप मेरी बात सुनेंगे उससे पहले आप इतनी बात क्यों खा रही हैं? इस देश में और भी कोर्ट है साहब, और उसकी समीक्षा भी होती है। कोई भी फैसला आता है, उस फैसले को सरकार पढ़ रही है, उसको देख रही है, उसमें क्या चीज कहा गया है, क्या नंबर एक। इसके बाद फिर इसमें मैंने पहले ही कहा, इसमें सुप्रीम कोर्ट के भी गाइडलाइंस है, तमाम चीजें हैं, उसको भी फॉलो किया है, वो सारी की समीक्षा होगी। और हमें आवश्यकता, गलती नहीं मानी है इसमें, गलती एक कोर्ट के बाद, अभी उसके आगे हमको क्या और आगे करना है, हम अपनी बात बताएंगे, हमने क्यों किया, क्या किया। ये सरकार अपनी सारी चीजें रखेगी वहाँ पर, फिर इसके बाद न्यायालय फैसला लेगा दीपक, और उसके, लेकिन एक चीज मैं फिर पुनः दोहरा दे रहा हूँ, क्योंकि आपके कार्यक्रम से भ्रम हो सकता है, चुप हो जाए, भ्रम को मैं पूरा क्लियर कर देना चाहता हूँ कि किसी भी स्तर उस पर किसी दंगाइयों को बख्शा नहीं जाएगा। जिसने भी वसूली भी होगी और कार्रवाई भी होगी, कहीं कुछ किसी को कोई गुंजाइश नहीं है। एक एक मिनट, क्योंकि हम जनता के साथ हैं और जनता के जो भी शर्मा जी, मैं आपसे सीधा सवाल ये पूछना चाहती हूँ, अगर इतनी सख्ती आप बरत रहे हैं, तो अनुराग ठाकुर, वर्मा, जिनके बयानों से ये दंगे दिल्ली में भड़के हैं, एक मिनट, आप आरोप लगाने वाले नहीं हैं, आप फैसला करने की क्या यहाँ पर, मैं फैसला नहीं कर सकता, जानते हैं, आपके चिल्लाने से आवाज नहीं जाएगी, अखिलेश यादव के बयान सुना आपने, आपके चिल्लाने से आवाज नहीं बंद होगी, समझे, आप कौन होती है आरोप, आप कौन होते हैं, मैं यहाँ की वासी हूँ, मैं हिंदुस्तानी हूँ, आप कौन होते हैं, आप अमानतुल्लाह के बयान पे क्या बोलेंगे, अमानतुल्लाह का बयान, एक अमानतुल्लाह नहीं है सिर्फ यहाँ पे, समझे, सोनिया गांधी के बयान पर क्या बोलेंगे, आप राहुल गांधी के बयान पर क्या बोलेंगे, क्या बोल रहे हैं, आर पार की लड़ाई, अनुराग ठाकुर के बयान पर क्या बोल रहे हैं, क्या बोलेंगे आप, क्या जवाब है आपका, अनुराग आपके पास क्या जवाब है, सोनिया गांधी के बयान का, सोनिया गांधी, राहुल गांधी के बयान का क्या है, आर पार की लड़ाई है, आर पार की लड़ाई है ये, और क्या है, और क्या कर रहे हैं आपने, इसको भड़कों में दंगा भड़कवाया, क्या बात कर रहे हैं आप, आपने सड़कों में दंगा भड़कवाया, क्यों दही जमते हैं, आपने भड़कवाया, सोनिया गांधी के बयान पे दिल्ली जली है, दही क्यों जम जाती है, हेट स्पीचेस है ये, हेट स्पीचेस आपका, आजम खान की स्पीच आपने सुनी है, नहीं थी ये, आजम खान की स्पीच सुनी है आपने, आजम खान आज अंदर है, आज तक माफी मांगा आप लोगों ने, कोई संज्ञान लिया इनके ऊपर, क्या संज्ञान, कोई कार्रवाई की,
अरे आप की सरकार रुक जाइए, आप लोग रुक जाइए, अब रुक जाइए। देखिए बस यही यही दुख की बात है कि हम एक दूसरे को, जो राजनीतिक दल है वो एक दूसरे को जिम्मेदार ठहराते हैं और निर्दोषों की जान जाती है। फिलहाल क्योंकि यहाँ पे स्टूडियो में माहौल बहुत गर्म हो गया और मुझे इस चर्चा को यही खत्म करना पड़ेगा। आप सभी दर्शकों का, आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद संविधान की शपथ में हमसे जुड़ने के लिए। न्यूज चैनल इतिहास की सबसे बड़ी सीरीज प्रधानमंत्री सीरीज 2 शनिवार रात 10 बजे।